Children, this is Marigold Book 2, textbook in English for class 2. Look at the book. Yes, children. Today, we shall learn the lesson number 1, that is, first day at school. Look at here, children. This is unit 1 and lesson 1 from unit 1. Yes. Poem is First Day at School. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will like me or just the full of stairs. If they will like me or just be full of stairs. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. Children, I will recite again. Listen carefully. I wonder if my drawing will be as good as theirs. I wonder if they will look like me or just be full of stairs. I wonder if my teacher will look like mom or gran. I wonder if my puppy will wonder where I am. Children, this is a poem on first day at school. Children, what the child feels at the first day of his school. Now, the poem goes like this, and I will tell you the meaning of the stanzas. I wonder if my drawing will be as good as theirs. बच्चों, यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जो कि पहला दिन स्कूल जा रहा है, और वो ये सोचता है कि जब मैं पहले दिन मैं जाऊँगा तो मुझे बड़ा आश्चर्य है, मुझे बड़ा बहुत ही मैं वरीड भी हो रहा हूँ, मुझे चिंता भी हो रही है, मैं सरप्राइज में हूँ कि मेरी ड्राइंग अच्छी बनेगी कि नहीं पहले दिन, और विल बी एज गुड एज देयर्स. जैसे दूसरे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, क्या मैं वैसी ड्राइंग बना पाऊँगा. आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स. मुझे इस बात की चिंता है कि क्या वहाँ और दूसरे बच्चे हैं, वो मुझे पसंद करेंगे या फिर वो मुझको घूरेंगे, मेरी तरफ देखते चले जाएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे. आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैन. और मुझे ये भी जानना है, पता नहीं मैं वहाँ पर जाऊँ तो मेरी टीचर जो है मुझे पढ़ाने वाले, वो मुझे मेरी माँ की तरह दिखती है या नहीं, और ग्रैन या मेरी नानी की तरह होगी या मेरी माँ की तरह होगी. आई वंडर इफ माई पपी विल वंडर वेयर आई एम. और मुझे ये भी लगता है कि मेरा पपी भी मेरे साथ में जाएगा और वो भी मेरी तरह आश्चर्य करेगा या सोचेगा कि स्कूल में उसको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं. तो चिल्ड्रन, दिस पोएम इज रिटन बाय एलिन फिशर. नाउ चिल्ड्रन, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट एलिन फिशर. एलिन लूसिया फिशर वाज एन अमेरिकन राइटर ऑफ मोर देन 100 ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स, इंक्लूडिंग पोएट्री, पिक्चर बुक्स इन वर्ड्स प्रोज अबाउट नेचर एंड अमेरिका, बायोग्राफीज, बाइबल थीम्ड बुक्स, प्लेज एंड आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स एंड जर्नल्स. चिल्ड्रन, इज इन दिस पोएम देर आर सम न्यू वर्ड्स लाइक वंडर, ड्रॉइंग, स्टेयर्स, ग्रैंड, पपी. वंडर मीन्स क्यूरियस, टू बी सरप्राइज, और हियर द वंडर मीन्स समथिंग दैट इज दैट कॉजेज अमेजमेंट और यस और अ मार्वल, अ ऑ और मार्वल, समथिंग ऑसम और मार्वल. नाउ चिल्ड्रन, द अदर वर्ड इज स्टेयर्स. स्टेयर्स मीन्स टू लुक fixedly. Then children, there are some words, some rhyming words like stair and theirs and stairs and gran and am. These are some rhyming words. Now children, I wonder if the sea is blue. This is a sentence. I wonder if the sea is blue. मुझे आश्चर्य होता है कि समुद्र इतना नीला क्यों है. And what does reading is fun corner? What does the child in the poem think about his drawings? बच्चों, यहाँ पर वो जो बच्चा है जो स्कूल जाता है वो अपने ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है. He thought if his drawings would be as good as theirs. बच्चों,
वो ये सोचता है कि पता नहीं उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी बन पाएगी जितने कि दूसरे बच्चों की बनती है। व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर, बच्चे वो बच्चा अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है। व्हाट ही वंडर्ड इफ हिज टीचर वुड लाइक हिज मॉम एंड ग्रैंड, वो उसको ये सोचता है कि उसकी टीचर उसकी मम्मी की तरह, उसकी माँ की तरह लगेगी या उसकी नानी की तरह दिखेगी, वो कैसी रहेगी। डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल, बच्चों क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बच्चा अपने पपी को स्कूल ले जाना चाहेगा। यस द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल, हाँ वो बच्चा अपना पपी ले जाना चाहेगा। एंड देर इज अनदर आंसर ऑल्सो, सब चिल्ड्रन वुड नॉट लाइक टू कैरी हिज पपी टू द स्कूल, दिस इज ऑप्शनल चिल्ड्रन। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, बच्चों क्या आपको स्कूल का पहला दिन याद है। हाउ डिड यू फील, तुम्हें उस दिन कैसा लगा था, एंग्री शाय हैप्पी और सैड, हाउ डिड यू फील ऑन फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, यू फेल्ट हैप्पी, नाउ यू कैन गिव योर ओन आंसर। व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक, जब बच्चों आप अपनी क्लास के अंदर पहली बार गए तो आपको कैसा लगा, क्या आपने क्या किस चीज़ को पसंद किया। आई लाइक माई टीचर, मुझे अपनी टीचर, मेरी टीचर मुझको बहुत अच्छी लगी। I liked my teacher when I entered in my class classroom first day. Who was the first friend you made, children? जो आप क्लास में जब पहले दिन गए तो कौन सा ऐसा बच्चा था जिसको आपने अपना दोस्त बनाया, आपने अपना मित्र बनाया। You can tell your friend's name here. You can write your friend's name here. Yes. What did you enjoy doing the most? बच्चों जब आप स्कूल में पहली बार गए तो आपको क्या काम करना अच्छा लगा। I enjoyed the most sketching, drawing, painting, talking to our friends. तो बच्चों हमें जब हम पहले दिन स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं और अपने फ्रेंड्स, नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं और उनसे बात करते हैं। We make new friends and we talk to them. What do you have a pet at home who waits for you to come back from school? Children, क्या आपके पास ऐसे pet हैं जो कि जब आप घर लौट कर जाते हो स्कूल से तो वो आपका इंतजार करते रहते हैं। Yes, I have a puppy who wait for me to come back from school. Yes, आपके पास छोटा puppy हो सकता है या आपके पास छोटा parrot हो सकता है या rabbit हो सकता है जो आपके आने का इंतजार करता है और जब आप घर पर जाते हो तो वो बहुत अच्छा उसको महसूस होता है। Find a partner, let your partner pretend to be the teacher who welcomed you to your class. Children, you can enact in your home, one child will become a teacher, another will become a student. You can enact a teacher and a student and you can role play, play the role of teacher as well as the student. You can tell the activities you do on first day at school. Children, now act out your first day at school. बच्चों पहले दिन आपके स्कूल में क्या हुआ, आप इसको एक्ट कर सकते हो, आप इसके बारे में बता सकते हो। You can look at this picture. Yes, look at this picture. Here also. Yes. Now, look at the picture. What are the children doing? There is a picture I have shown you above. And what the children are doing there? They are acting for as a teacher and a student. Now, children, there is another poem. And let's listen and sing. Brush, brush, brush your teeth. Brush them every day. Father, mother, brother, sister, brush them every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Children, in this poem we have seen that that you have to brush every day in the morning, you have to comb your hair and you have to wash your face and all of your in family do the same activities. And the children, you see here that this poem is very beautiful and it has a lot of words are here are repeated, like brush, brush, brush your teeth, yeah, brush. The word brush is repeated a lot of time and father, mother, brother, sister. And after every third or fourth line, the father, mother, brother, sister is repeated again and again. And you have to, first of all, you have to brush your teeth, then you comb your hair, then you wash your face. These activities are given there. So, poem is very beautiful and you see at your home.
Let's write. Children, how many words can you make using letters from the word in the picture? There is a picture of a hippopotamus and the spelling is written also. And you have to write down some more spellings extracting from the word hippopotamus. You can look at this, children. This one. Yes. Now, children, there are so many spellings which come from hippopotamus, like pot, potato, M, top, pop, hop, pit, tom, us, must, put, toss. You can search some more words, children. Now, there is another picture. Look at this. Yes. You have to, children, here's a picture of a bag and some of these stationaries and some other things. You have to circle what you can carry in your school bag. Now write the names of your things and in the box below. Like there are so many pictures are given there, ice cream, cones, books, toy, pebbles, pencils, tiffin box, spectacles, water bottle, eraser, pen, sharpener and ruler. And then now, children, you have to write down the words which you put in your bag, like books, pencil, ruler, sharpener, pen, eraser, water bottle, tiffin. Look at the picture again. Yes, look at again. Yes. Now another exercise. Yes, in this exercise, what are the children doing? Choose the correct word from the ribbon and then fill in the blanks. Children, some pictures are given here. And children are doing some various activities. You have to fill up the blanks with the correct activities, like eating breakfast, riding a bicycle, going to school, sharing with friends, studying in class, returning from school. Children, some activities are there and I have filled for you the activities, the correct activities. Okay, I will repeat again. Eating breakfast, riding a bicycle, going to school, sharing with friends, studying in the class and returning from school. Then another picture is, children, other pages of the book is the exercise you have to do in your home. Look at the here. Yes. Here A, B, C, D and E and F are written in cursive writing and the dots are given there. You have to trace the alphabets, small alphabets with the help of your pencil. Look here again and do this at your home. Thank you.